10 नवंबर 2023 इस दिन पड़ रही है धन त्रयोदशी। अब देखिए कितना शुभ समय ये आ रहा है और ये शुभ समय आपके घर में शुभता लेकर आ जाए, इसके लिए हमें करने होंगे ऐसे तीन काम। वो तीन काम कुछ खरीदी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये समय आप खरीदी करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें घर में ले आएँ जो वो खरीदी आपके घर में हर तरह की सुख संपन्नता को बढ़ा दे। आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए अब शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं कि धन त्रयोदशी का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सा दिन है, कैसे हमने इस शुभ मुहूर्त का फायदा उठाना है। तो 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार। अब ये दिन है आपके लिए धन बरसाने वाला दिन। अब ये जो दिन होगा, इस दिन में सही समय क्या है, सही समय स्टार्ट होगा 12:36 के बाद, यानी कि दिन के 12:36 के बाद आपका शुभ समय खरीदारी करने का। किसी भी तरह की खरीदारी होगी तो इस समय से आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि 12:36 के बाद तो पूरी दोपहर है, पूरी शाम है, पूरी रात है, तो आप आराम से दिल खोल कर खरीदारियाँ करिए बिना हिचक के, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं झाड़ू की, क्योंकि देखिए आपने धन त्रयोदशी के दिन लोगों को देखा होगा कि वो झाड़ू खरीदते हैं, पर झाड़ू के साथ साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि झाड़ू आप खरीदिए, दो झाड़ू आपको लेनी है, एक झाड़ू नहीं, इस समय दो झाड़ू लेनी है। और दोनों झाड़ू, अब देखिए शाम के समय आप पूजा पाठ भी करेंगे और जहाँ पूजा पाठ करेंगे वहीं पर ही साइड में आप झाड़ू रखकर उसको भी धूप दीपक दिखाएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं झाड़ू, क्योंकि घर में से जो भी दुख दरिद्रता जो भी परेशानी होती है माँ लक्ष्मी के द्वारा, यानी कि झाड़ू के द्वारा बाहर की जाती है और घर में एक स्वच्छता जहाँ पर माँ लक्ष्मी विराज करती हैं। अब इसी तरीके से आपको लेनी है दो झाड़ू। अब ये झाड़ू कौन सी होंगी, मार्केट में कई तरह की झाड़ू होती हैं, चाहे वो तीली वाली हैं, चाहे वो फूल झाड़ू हैं, आप इनमें से कोई भी लीजिए, क्योंकि सबका उद्देश्य वही है सफाई, तो आप झाड़ू ले सकते हैं कोई भी जो आपको पसंद हो। अब दूसरी वो चीज़ें जो कि सबसे ज़रूरी हैं, आप देखिए आप खुद से देख रहे हैं कि हर एक चीज़ का एक समय घूम कर वापस आता है, कपड़े पहनावे जो भी हम पहनते हैं, अब देखिए पुराना ट्रेंड वापस आ रहा है, हम जो बर्तन यूज़ किया करते थे जो एल्युमिनियम वगैरह के हुआ करते थे और जो दूसरे मटेरियल हुआ करते थे, अब देखिए घूम फिर कर लोग वापस वहीं पर आ रहे हैं जो पुरातन समय में हमारे इस्तेमाल हुआ करते थे, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन, इस तरह के अब देखिए धातु के बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको इस दिन कुछ बर्तन अवश्य लेना है। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप बर्तन तो खरीद लेंगे, पर मार्केट से आप मान लीजिए आपने 10 बर्तन खरीदे तो 10 बर्तन में से कोई एक बर्तन आपको ज़रूर भर कर लाना है। आप भर कर कैसे लाओगे, मार्केट से ही आप चावल खरीद लेना, और चावल खरीद लेना एक कोई कटोरी होगी जो आपने खरीदी होगी, उसी कटोरी में भर कर आप उसको पॉलीथीन से लपेट कर बांध कर अच्छी तरह, ताकि आपके सामान में वो गिरे ना, इस तरह से आप रख कर अपने घर में लेके आएँ। और इसी कटोरी को आप अपने पूजा स्थान पर ज़रूर रखिएगा, पूजा स्थान में, और जब आपकी पूजा हो जाए फिर इस जो चावल होंगे चावल को अपने जो घर के रसोई के चावल होंगे उनमें मिला दीजिएगा। और इस तरह से ध्यान रखिए, ये आपका किया गया काम आपके घर में धन की वृद्धि करेगा। हर तरह से ये चीज़ें धनकारक वस्तुएँ हैं। आपको भूल कर भी लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी है इस दिन, आपको कांच नहीं खरीदना है, आपको एल्युमिनियम नहीं खरीदना है, नॉन स्टिक भी अगर आप लेते हो तो अवॉइड करिए, ये चीज़ें नहीं सूट करती हैं। हाँ किसी को आप सोचो कि हाँ हम किसी को देना चाहते हैं, पहली बात तो देने की भी ज़रूरत नहीं, कहीं ऐसी गलत चीज़ें मत दीजिए, आप इसके बदले कुछ और दे दीजिए, कुछ और कहीं पर खर्चा कर लीजिए, पर ऐसी ना ही गलत वस्तुओं का आप आदान प्रदान करें, ताकि आपका ग्रह भी खराब ना हो और सेहत भी अच्छी रहे, और आपके और आपसे जुड़े हुए लोगों में सबसे वो एक पॉजिटिविटी एक सर्कुलेट होती रहे। अब इस दिन सोना या चांदी खरीदने का बहुत ही शुभ समय माना जाता है। इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी, जितना आपका पॉकेट अलाउ करे उसके अनुसार सोना चांदी, कुछ ना कुछ उनके आभूषण, कुछ ना कुछ सिक्का, आप कुछ भी जो चीज़ें होती हैं वो खरीदिए, और पत्नी के लिए, अपनी पत्नी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ, पुरुष जो हस्बैंड हैं वो अपनी पत्नी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सोना या चांदी से बनी हुई चीज़ें गिफ्ट करिए। देखिए
सोना करिए, थोड़ा सा पॉकेट पे थोड़ा जोर पड़ेगा पर करिए। देखिए ये चीज़ें सुख संपन्नता बढ़ाती हैं, पर आप इन चीज़ों को अवॉइड मत करिए। पहले से बुकिंग करके रखिए और एक दिन पहले ही चाहे उठा लीजिए, पर जो देना है वो देना है धनत्रयोदशी के दिन। अब वो तीसरी चीज़ जो कि आपकी हर तरह से मदद करने वाली है वो है धनिया। अब धनिया, साबुत धनिया, जिस तरह से आपको ये फोटो में दिखाई दे रहा है, इस तरह से साबुत धनिया के बीज लीजिए। बीज वाली जो मार्केट में आपने क्या करना है, आप लगभग कम से कम 100 ग्राम 200 ग्राम जो आपकी इच्छा हो ले लीजिए। धनिया का एक पैकेट मिल जाता है 200-250 ग्राम का, वो ले लीजिए, घर में इस्तेमाल भी हो जाता है। साबुत धनिया आपने लेना है। अब इस साबुत धनिया में से कुछ धनिया आपने अपने पूजा स्थल में रखना है, जहाँ पर आप अपना वेदी बना रखिए घर में, जहाँ पर आप पूजा करोगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करोगे, धन कुबेर की पूजा करोगे, हनुमान जी को याद करोगे, सबको याद करोगे, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी ये जो धनिया है किसी लाल कपड़े में लपेट कर आप वहाँ रख लीजिएगा। अब यही धनिया आपके उस जगह पहुँचने वाली है जहाँ पर आपका धन रखा जाता है। थोड़ी सी धनिया लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर के जहाँ पर आप रुपया पैसा रखते हो वहाँ पर रख दीजिएगा। अगले दिन रख दीजिए, शाम को रख दीजिए, जब भी हो पूजा का, आप जब सामान उठाएं तब आप उठा सकते हैं अपनी ये धनिया और अपने जहाँ रुपया पैसा रखते हो वहाँ रख दीजिए। बहुत ज़रूरी है ये उपाय, छोटे छोटे से देखिए, हमारे दादी नानी ये सब किया करती थी, हम लोगों ने छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं ये छोड़ने के कारण हम अपनी उन चीज़ों से वंचित होते जा रहे हैं, उन पॉजिटिविटी से वंचित होते जा रहे हैं जो हमारे जीवन में शुभता लेकर आती थी। अब हमने नहीं खरीदनी है वो तीन चीज़ें जो कि आपको इस समय माँ लक्ष्मी को रुष्ट करा सकती हैं, माँ लक्ष्मी आपसे दूर जा सकती हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? आप अपने लिए जूता ना खरीदिए इस दिन, और जूता, चमड़ा, इस तरह की चीज़ें घर में नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कपड़े आप खरीद सकते हैं, कपड़े खरीदने में कोई हर्ज नहीं है, कपड़े अच्छे से खरीदिए। ये चीज़ें थोड़ी सी अपनी जो साज सज्जा में चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स आप खरीद सकते हैं, वो चीज़ें आपकी हर तरह से एक शुभ फल प्रदान करने वाली होंगी। अब दूसरी तरफ वो चीज़ जो उस दिन घर में नहीं करनी है, दूसरा काम है नॉनवेज का घर में प्रयोग। घर में किसी भी तरह से नॉनवेज को नहीं आने देना है। घर में किसी भी तरह से मार्केट में मिलने वाली कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं वो घर में नहीं आएंगे, जिनमें कि एग कंटेंट होता है, अंडा होता है, या किसी भी तरह से चॉकलेट या कुछ और चीज़ें जिनमें कि कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करिए। जितना आप घर में इस दिन को सही संभाल लेंगे, अपना पूरा वर्ष आप धीरे धीरे इंजॉय करते जाएंगे। अब तीसरी वो चीज़ है जो कि घर में नहीं होनी चाहिए, वो है जुआ या किसी भी तरह से नशा। क्योंकि देखिए, जब कोई घर में बैठते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा दीपावली वाले दिन ये ताश पत्ते खेलते हैं और साथ में नशा भी करते हैं, ये सब करते हैं। इस दिन आपके घर में किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति है वो इस तरह से थोड़ा सा संयम बरत के रखे कि इस दिन को जितना हो सके साफ सुथरा रखे, अच्छा रखे। पूरे घर की सफाई कर लीजिएगा, सुबह उठकर पूरे घर को साफ करके अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ आपको गंगा जल छिड़क देना है। अपने घर में आप कोई सुगंधित इत्र वगैरह या परफ्यूम वगैरह या रूम फ्रेशनर वगैरह या धूप बत्ती वगैरह कुछ इस तरह से जलाइए ताकि घर का एक शुद्धिकरण हो सके। और शाम को पूजा जब आपकी हो जाएगी तो गूगल कपूर जटामासी इसकी धुनी जरूर दीजिएगा। शाम को पूजा से पहले आप कर सकते हैं ताकि घर में शुद्धिकरण हो जाए, गूगल कपूर जटामासी। अभी आप 4-5 बजे करीब पहले ये धुनी दे दीजिएगा, उसके बाद गंगा जल छिड़क दीजिएगा, उसके बाद अपने देवी देवताओं के लिए आसन बनाकर वहाँ पर आप माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, हनुमान जी, गणेश जी, इन सबको आप विराजित करा के इनका विधिवत तरीके से पूजन करके अपनी चीज़ों को आप सिद्ध कर सकते हैं। यही सिद्ध चीज़ें आपके जीवन में सभी काम सिद्ध करने वाली हैं। और इसी दिन धन त्रयोदशी वाले दिन ही शाम के समय आपको चलाना है यम का दीपक। अब यम का दीपक आपकी दादी नानी या फिर आपके यहाँ पर किया करते हैं कि नहीं किया करते हैं, क्योंकि कुछ प्रांत करते हैं, कुछ प्रांत में नहीं किया जाता है। अब यही धन त्रयोदशी वाले दिन ही रात्रि के समय दीपदान किया जाता है और इस दीपदान को कहते हैं यम का दीपक। आप 2 दिन लगा सकते हैं इस दीपक को, आप धन त्रयोदशी वाले दिन भी लगा सकते हैं और दीपावली जो कि 12 की है तो 11 को आप एक यम का दीपक अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए भी लगा सकते हैं। तो देखिए, त्यौहार तो हमारे देश में 2-3 बार तक मना लिए जाते हैं,
क्योंकि त्यौहार का मतलब ही है खुशी, और खुशी को सेलिब्रेट करना कोई बुरा नहीं है। सही समय पर सब कुछ किया जाए तो उसका अच्छा असर भी मिलता है। तो ये समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, करिए दिल खोलकर खरीदारियां। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियाँ इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है, जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा। और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहाँ पर रुपया पैसा रखते हो वहाँ पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है, उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली, जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश ना कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर भेजी भी जा सके। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यही मनोकामना करता हूं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में इस वक्त विराजमान हो जाएं और आपके घर की दुख, दरिद्रता और परेशानियां सब बाहर चली जाएं। और यही मनोकामना के साथ विदा लेता हूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।